हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। सो आज का वीडियो होगा इस मेकअप लुक के ऊपर। इट इज़ अ नेवी ब्लू स्मोकी आईज एंड मैंने ये ट्राई किया है। आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं बस आई एम नॉट इवन अ बिगनर, मैं लाइक नो देख देख के सीख रही हूँ। सो दिस इज़ वॉट आई केम अप विथ एंड ये मेरे सूट के साथ मैचिंग है। सो बाय द वे, अगर आपको जानना है कि ये इयर रिंग्स मैंने कहाँ से लिए, मैंने मिंत्रा से लिए थे। मैंने इस पर अलग सा हॉल वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट करना चाहते हो तो। बहुत ज़्यादा प्रिटी इयर रिंग्स है ये एंड बहुत कंटेम्प्रेरी है तो। एंड ऑल्सो ये अगर आपको सूट अच्छा लग रहा है तो ये थ्री पीस कुर्ता प्लाजो एंड विद दुपट्टा ये फुल सेट है। इस पर भी मैंने अलग सा रिव्यू वीडियो बनाया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो दिस इज़ अ मेकअप लुक एंड ये दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। आई लाइक द एंड रिजल्ट। आप मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा ये, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ़ एट ऑल आपको और ऐसे वीडियोज़ देखने हैं लाइक ब्राइट आईज एंड ऑल ड्रामेटिक मेकअप लुक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं रखा हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो मैं स्टार्ट करूंगी विद स्किन केयर एंड स्किन केयर के लिए फर्स्ट आई एम यूजिंग अ टोनर। ये गुड वाइब्स का टोनर है, काफी ज्यादा अच्छा टोनर है ये। एंड मैंने काफी ज्यादा लगाया है क्योंकि आई जस्ट फील लाइक टू टायर्ड, तो मैंने थोड़ा ज्यादा लगाया है। वैसे मैं सेट सूखने का थोड़ा सा टाइम दूंगी। बाद में लगाऊंगी लिप बाम एंड दिस इज द मेबेलिन ऑरेंज जुजुबी लिप बाम। काफ़ी अच्छा लिप बाम है, टिंटेड लिप बाम है। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी सीरम एंड ये है वोट्रे का सीरम। ये मुझे मेरे ग्लैमीगो बॉक्स में मिला था एंड ये सीरम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये मैं लगाऊंगी एंड आई विल ब्लेंड इट रियली नाइस। आई क्रीम के लिए मैं ये ले रही हूँ, ये है सेंट बोटानिका का आई क्रीम एंड काफ़ी अच्छा आई क्रीम है ये। सो आईज़ को भी हाइड्रेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई क्रीम जब भी आप लगा रहे हो तो रिंग फिंगर के साथ ही लगाना इसे। एंड इसे मैं लगा लूँगी एंड काफ़ी अच्छा आई क्रीम है ये। उसके बाद मैं लगाऊंगी फेस क्रीम एंड ये है बायोटीक का बायोक्विंस सीड नरिशिंग फेस क्रीम। एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी बिकॉज माय फेस फील्स अ लिटिल ड्राई, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी। कलर करेक्शन के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये है उषास का पैलेट एंड दिस इज़ आवर लुक्स लाइक। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन माई आई लिड्स एंड फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ आई मेकअप। सो इसे मैं थोड़ा सा कंसील कर लूँगी मेरे आईज़ को एंड इससे क्या होगा, जितना भी हम आई शैडो लगाएंगे वो बहुत पिगमेंटेड लगेगा एंड इसीलिए कंसीलर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ले रही हूँ मेकअप रेवल्यूशन का आई हार्ट मेकअप रोज गोल्ड पैलेट, उसमें से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ टू सेट माई अंडर आईज एंड ये काइंड ऑफ स्किन कलर है तो आप कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हो। सो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी मेरा आई मेकअप एंड इसके लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। दिस इज द ब्लू शेड फ्रॉम द फ्लावर म्यूजिक, सॉरी म्यूजिक फ्लावर आई लाइनर किट एंड इसे मैं यूज करूंगी एज माई बेस। के ऊपर लगाने के लिए आई एम यूजिंग दिस पैलेट एंड दिस इज द मेकअप रेवल्यूशन फ्रीडम डेकेडेंसी पैलेट एंड उसमें से मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, दिस कलर एंड इट इज़ अ नाइस नेवी ब्लू शिमर आई शैडो एंड इसे मैं लगाऊंगी ऑन टॉप ऑफ द ब्लू आई शैडो, सॉरी आई लाइनर एंड इसे मिलेगा मुझे एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल ब्लू कलर, लाइक नेवी ब्लू कलर, नॉट इवन रॉयल ब्लू कलर।
एंड आई एम डूइंग दिस क्योंकि मेरे पास लाइक नेवी ब्लू आई शैडो दूसरा कोई था नहीं. एंड जहाँ पे मैंने वो ब्लू आई शैडो लगाया है वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी. एंड बहुत ही हल्के तरीके से बिकॉज आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ प्रो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ. मैं अपने मर्जी से जैसे मुझे आता है वैसे सीख सीख के कर रही हूँ. सो लाइक आई मीन देख देख के कर रही हूँ. तो मैंने लगा लिया है ऐसे एंड अब मैं ये वाला पैलेट लूंगी. दिस इज द रोजेज इन द एयर पैलेट एंड इसे मैं ये चॉकलेट ब्राउन कलर लूंगी दिस वन टू क्रिएट अ क्रीज फॉर माय आईज. एंड मैं बहुत ही हल्के हाथों से ये करूंगी. सो इसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर एंड ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर एंड इससे मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी. एंड मैं एक ड्रामेटिक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी इससे. मेरा आई मेकअप काइंड ऑफ कंप्लीट है. बाकी जो कुछ भी है मैं फेस मेकअप करने के बाद करूंगी. सो फर्स्ट मैं लगाऊंगी फेस के लिए प्राइमर एंड दिस इज द लैक्मे नेचुरल एलोवेरा एलो जेल प्राइमर एंड इसे मैं लगा लूंगी मेरे फुल फेस पे. एंड इसका फ्रेग्रेंस रियली बहुत ज्यादा अच्छा है. सो आई विल बी यूजिंग दिस एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया है बट एनीवे. के बाद मैं फेस पे थोड़ा सा कलर करेक्टिंग करूंगी यूजिंग द सेम उषास पैलेट. तो ग्रीन कलर वहाँ लगाना है जहाँ पे थोड़ा बहुत रेडनेस है. सो आई एम अप्लाइंग इट हियर क्योंकि मेरे थोड़े से पिंपल्स हैं यहाँ पे. एंड उसके बाद ये जो करेक्टर है ये लगाना है लाइलैक करेक्टर लगाना है वहाँ पे जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा डलनेस है. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट. आई डोंट सी डलनेस बट देन लेट्स जस्ट अप्लाई इट हियर बिकॉज आई फील दैट ओके दिस पार्ट इज़ अ लिटिल डल. नोज. उसके बाद फिर ये करेक्टर है दिस इज काइंड ऑफ ऑरेंज करेक्टर वहाँ पे लगाना है जहाँ पे ब्लैकनेस है या फिर आपके जहाँ पे डार्क सर्कल्स है. सो यहाँ पे मैं लगाऊंगी. सबको ब्लेंड करना है. सो फर्स्ट आई स्टार्ट ब्लेंडिंग माय अंडर आईज एरिया क्योंकि ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा भी नहीं बट देन मॉडरेटली सूख जाता है काइंड ऑफ जल्दी भी नहीं और ज़्यादा लेट भी नहीं. सो आई नॉट लेट इट सेटल दैट मच. तो यहाँ पे मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ स्पंज को टू यूज टू सेट दिस. सो ये मैंने सेट किया है एंड देन आई विल बी यूजिंग अनदर पार्ट ऑफ द स्पंज टू ब्लेंड द अदर कलर्स. पर्पल मैंने ब्लेंड कर लिया एंड ये साइड से मैं जो ग्रीन वाला है वो ब्लेंड करूँगी. एंड इसके बाद पाउडर सेटिंग करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कलर्स है ये फिर आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप इसे सेट कर लो. इसे सेट करने के लिए आई एम यूजिंग द मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट. ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है तो इससे मैं ये फुल सेट कर लूँगी जल्दी से.
फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस, ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, दिस इज़ बाय एल ए कलर्स एंड मेरा शेड है इसमें न्यूड. सो इसे मैं लगाऊंगी डॉट डॉट्स पे अपने फेस पे एंड काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है फॉर पार्टीज एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सो इसके मैंने 3 pumps लिए हैं एंड 3 pumps ऐसे तो लगते नहीं हैं, बट एनीवे मैंने 3 pumps ले लिए हैं. सेम स्पंज से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. एंड आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फुल कवरेज है ये. फाउंडेशन है एंड इसे अभी सेट करना जरूरी है. आई एम यूजिंग द सेम कॉम्पैक्ट टू सेट माय होल फेस विद दिस. ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा एंड अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है. सो कंसीलर मैं लगा नहीं रही हूँ अंडर आईज एंड ऑल ब्राइटनिंग के लिए, बिकॉज ये जो फाउंडेशन हमने यूज़ किया है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है. सो डायरेक्टली आई कंप्लीट अ लिटिल बिट ऑफ माय फेस मेकअप एंड उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी, क्योंकि आई लिटरली लुक लाइक अ गोस्ट राइट नाउ. सो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द ब्लश, एसेंस ब्लश इन द शेड हीट वेव एंड बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पिगमेंटेड ब्लश है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये. सो मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है एंड आई एम यूजिंग इट ऑन माय नोज एज वेल, थोड़ा सा अच्छा कलर, फ्लश ऑफ कलर देता है. सो आई हैव यूज्ड के लिए आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज द माई ग्लैम पैलेट एंड इसमें से मैं ये ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ टू ब्रॉन्ज माई फेस अ लिटिल. कंप्लीट करूंगी मेरा बचा हुआ आई मेकअप एंड उसके लिए मैं फर्स्ट ये काजल ले रही हूँ, दिस इज द एलन ब्लू काजल या लाइनर एंड दिस इज इन द शेड ब्लू एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग भी है काफ़ी. सो इसे मैं लगाऊंगी मेरे वाटर लाइन पे. हाईलाइट एंड इनर कॉर्नर हाईलाइट के लिए आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर, दिस इज द वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स एंड इसे लगाने के लिए आई एम यूजिंग दिस स्पंज टिप एप्लीकेटर. ये हाईलाइटर एंड लाइक ब्राउ बोन हाईलाइट एंड इनर कॉर्नर हाईलाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इफ़ एट ऑल आपको ये पैलेट्स में मिले तो प्लीज़ डोंट थ्रो देम. के लिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया है बिकॉज माई आईब्रोज आर सुपर ग्रूम्ड राइट नाउ, मैंने खुद ने इन्हें ग्रूम किया था. अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो मैंने आईब्रोज ग्रूम लाइक मैं आईब्रोज पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया है, सिर्फ वैसे ही मैं ब्रश कर रही हूँ उन्हें. हाइलाइटर को ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज एंड माई चीक बोन्स पे मैं लगाऊंगी एंड आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सा ग्लो दे रहा है ये. लास्ट इज लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैं ये दो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ. आई थॉट दैट फर्स्ट आई थॉट कि मैं न्यूड वाला शेड इस्तेमाल करूँगी, बट आई फेल दैट बहुत ही ज़्यादा न्यूड हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगेगा ये. सो आई एम यूजिंग दीज टू प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट मैं इसे लगाऊंगी एंड दिस इज द मेबलिन लिप ड्यूरेशन इन द शेड कोरल. आई थिंक दैट मच इज इनाफ एंड ये मैं थोड़ा सा सेंटर पार्ट पे लगाऊंगी. Thank you.
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ देखने हैं तो. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.